हेलो गाइस, मैं दीदी मंडी न्यूज। तो गाइस, आज हम बात करेंगे हॉलीवुड से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में, बात करेंगे मार्वल के कुछ रूमर्स के बारे में, बात करेंगे कुछ चेस्ट अपडेट के बारे में और साथ ही साथ बात करेंगे नेटफ्लिक्स की अपकमिंग टीवी सीरीज के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट काफी ज्यादा कमाल के हैं। तो सभी जानते हैं कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर की पिक्चर आ रही है अपकमिंग डूलिटल, काफी कमाल की मूवी है और इसके काफी सारे कैरेक्टर पोस्टर लॉन्च हुए हैं। अगर आपको सारे देखने डाउनलोड करने हैं तो आप मेरे ट्विटर अकाउंट से जाके डाउनलोड कर सकते हो। नेटफ्लिक्स की अपकमिंग टीवी सीरीज जो कि लॉन्च हो चुकी है द आयरिशमैन, हिंदी में आप जाके देख सकते हो जिसपे नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। काफी कमाल की टीवी सीरीज है, देखना जरूर। मेरा भी पहले ही एपिसोड देखा है। दी स्लेंडर मैन काफी कमाल की हॉरर मूवी है, इसकी ब्लू रे डिस्क आ चुकी है हिंदी में। तो आप खरीदना चाहते हो, जो कलेक्शन करना चाहते हैं तो जाके अमेजोन और फ्लिपकार्ट से ले सकता है। गॉडज़िला वर्सेस किंग कॉन्ग, ये मूवी पहले 2020 में मार्च के महीने में लॉन्च होने वाली थी पर कंपनी ने इसकी रिलीजिंग डेट को काफ़ी ज़्यादा डिले कर दिया और ये मूवी अब नवंबर के महीने में रिलीज़ होगी। तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। हेनरी केविन जो कि सुपरमैन का कैरेक्टर प्ले करते हैं, वो जेम्स बॉन्ड का ऑडिशन देने के लिए टॉबल में ही चले गए थे। ये अभी हाल ही में उन्होंने खुलासा करा ये इमेज डालकर। रॉन्ग टर्न का नया पोस्टर लॉन्च करा गया, इसका एक नया अपकमिंग पार्ट आ रहा है। काफ़ी कमाल की हॉरर टाइप की मूवी है और आप जानते हैं उसमें कैसे कैसे सीन होते हैं, तो इसका भी नया पार्ट कन्फर्म हो चुका है। फाइनली क्रिस्टिन एक हॉरर मूवी डायरेक्ट करने वाली हैं, वो एक एक्टर भी हैं जो कि ब्राइडबर्न में भी काम कर चुकी हैं, चार्ली एंजल्स में भी। वो इनविजिबल वूमेन के ऊपर काम कर रही हैं और उसे डायरेक्ट भी करेंगी, अभी हाल ही के अपडेट से पता चला है। क्विक सिल्वर जो एक कैरेक्टर था एज ऑफ द अल्ट्रॉन में मारा गया था सिर्फ एक ही मूवी के लिए, वो दोबारा से रिटर्न होगा फ्यूचर टीवी सीरीज में या अपकमिंग मूवीज में। एंटमैन की लोकेशन डिसाइड हो गई है, या तो वो इंग्लैंड में शूट होगी चाहे वो यूके में सेट होगी, पर अभी हाल ही में यही अपडेट आया है। एक बिहाइंड द सीन आया है कैप्टन अमेरिका और पेगी कार्टर का, काफ़ी कमाल का लग रहा है और ये सीन एंडिंग का है सभी जानते होंगे। इन फ्यूचर हमें कैप्टन अमेरिका वूमेन भी देखने को मिलेगी। आप सभी जानते हो कि कैप्टन अमेरिका के बाद स्टीव रॉजर्स के बाद यूएस एजेंट, फिर फैल्कन और अब हमें वूमेन भी देखने को मिलेगी। थॉर की शूटिंग शायद 2021 से स्टार्ट हो जाएगी, काफ़ी कमाल की मूवी है और देन हमें इसके बिहाइंड द सीन भी देखने को मिल जाएंगे। स्कारलेट जॉनसन का एक नया फोटो शूट हुआ है मैगजीन कवर का, तो काफ़ी कमाल का लग रहा है और मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ तो इसलिए सारे अपडेट मैं 100% देता हूँ। एक कॉमिक बुक में शी हल्क का न्यू कॉस्ट्यूम देखने को मिला और शायद फ्यूचर में टीवी सीरीज में हमें कुछ इस टाइप का देखने को मिल सकता है। टॉम जो कि लोकी का कैरेक्टर प्ले करते हैं, वो न्यूयॉर्क में कुछ मजे करते नजर आए थे, तो ये उनकी एक इमेज है जो कि अभी हाल ही में रिसेंट में रिलीज हुई है। फैंटास्टिक फोर का फैन मेड एक पोस्टर लॉन्च करा गया जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है और शायद मे बी पॉसिबली जो उसमें मेन कैरेक्टर है वो दिखाई जा सकते हैं। एक रूमर चल रहा है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कि ब्लैक पैंथर 2 का जो विलन होगा वो डॉक्टर डूम होगा। जी हाँ, वही डॉक्टर डूम जो कि फैंटास्टिक फोर में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट विलन होने वाला है। अब देखते हैं, ये रूमर सच हो जाता तो मैं तो कहूँगा बहुत ज़्यादा मजा आएगा। विन डीजल के दो अपकमिंग प्रोजेक्ट, जी हाँ ध्यान से सुनिएगा, द लास्ट फिच एंटर का सेकंड पार्ट कंफर्म हो चुका है जो कि विन डीजल ने खुद ही कंफर्म करा है और साथ ही साथ ब्लड शॉट का भी सेकंड पार्ट कंफर्म हो चुका है। जी हाँ, ये अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो कि विन डीजल के अभी हाल ही में रिवील्ड हुए हैं। साथ ही साथ वॉर अमेजोन प्राइम पर आ चुकी है, जिसके पास सब्सक्रिप्शन है वो जाके देख सकता है, काफ़ी कमाल की मूवी है। मैं थिएटर में नहीं देख पाया था पर मैंने आज देख ली। उसी के साथ हॉलीडे रश भी नेटफ्लिक्स पर आ चुकी है इन हिंदी में, ये भी काफी कमाल की टीवी सीरीज है, आप जाके देख सकते हो जिस पर नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आपको वीडियो पसंद आता तो लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखो या तो उस पर आयरन मैन के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। और भी ज्यादा न्यूज सुपर फास्ट जानने के लिए आप मेरे ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर सकते हो, उस पर मैं सबसे पहले अपडेट दे देता हूँ।